ओम नमः शिवाय। इस नई वीडियो में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक सुंदर गांव में स्थित वाला मंदिर। चलो चलो का आई मेरी दादा भैया। चिपका खाती तू? चिपका खाती? चिप्स खाती? चिप्स खाती तू? चिप तो चिप। मंदिर आपको देवाची वाकी या फिर उसे वाकी देवाची ऐसा भी कहा जाता है वहाँ पे मिल जाएगा। ये कन्नड़ तालुके में संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही सुंदर जगह है। आइए मेरे साथ, देखिए ये मंदिर कितना प्यारा और ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे इतने सारे मंदिर है कि आपको कहीं और जगह तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ वाले जो मंदिर हैं वो यहाँ पे स्थित है। तो आपको यहाँ पे सब मंदिर मिल जाएंगे, सब एक एक करके मैं वो सब वीडियो डालने वाली हूँ। इसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलिए। हमारे भगवान शिव का ये मंदिर होने के कारण आपको एंट्रेंस में ही यहाँ पे नंदी दिख जाएगी, जो कि भगवान शिव के वाहक है। इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर से लोग और मटेरियल दोनों मंगवाए गए थे, क्योंकि सीमेंट बालू और ब्रिक के साथ साथ यहाँ पे हमें जो ये दिख रहे कलरफुल कांच, तो ये बैठाने के लिए और ये बाहर से मंगवाया था। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं और उनको ज्वाइन करके ये पूरा मंदिर बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ज्योतिर्लिंग जितने हमारे भारत में अवेलेबल है पूरे हैं। श्री क्षेत्र सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तराखंड में है, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में महाराष्ट्र में है, परली वैजनाथ जो कि बीड में महाराष्ट्र में है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात द्वारका में है, रामेश्वरम तीर्थ ये भी उत्तर प्रदेश में है, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग संभाजीनगर महाराष्ट्र में है। अभी आप जो देख रहे हैं ऐसा ही सेम शिवलिंग आपको मेन मंदिर में दिख जाएगा। वहाँ पे महिलाओं को जाना वर्जित है, इसीलिए मैं जा नहीं सकी। बहुत दूर दूर से भक्तजन यहाँ पे दर्शन करने को आते हैं। यहाँ पे आपको सत्यनारायण अभिषेक के साथ साथ शादी भी होती है यहाँ पे, और हर एक नया दाम्पत्य शादी होने के बाद यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आता है हमारे आसपास के गांव में से। हर दिन यहाँ पे काकड़ा आरती, हरी पाठ, भजन कीर्तन और भारूडे चलते रहते हैं। हर रोज़ शाम 5 बजे यहाँ पे हरी पाठ होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे पूरे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जिनकी हेल्प से यहाँ पे हरी पाठ किया जाता है, और हरी पाठ होने के बाद आरती होती है। यहाँ पे आपको ताल, वीणा, मृदंग, पेटी, तबला, ढोलक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये बाहर से जो मंदिर दिख रहा है, तो इसका भी वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पे आने वाला है। श्री सदगुरु नारायण बाबा की जय। तो उनके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कांच के पत्थरों से दीवारों पे जो तीनों के बारे में लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये मंदिर लग रहा है। और अभी आप ये देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे धूप जलाई जाती है और हमें जो उदी मिलती है तो वहाँ से ही मिलती है। हर श्रावण सोमवार को, आषाढ़ एकादशी को और महाशिवरात्रि को यहाँ पे बहुत बड़ी यात्रा भी रहती है और यहाँ पे यज्ञ भी किया जाता है। इस मंदिर के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं, जो कि हमारे नारायण देव बाबा हैं उनके बारे में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है और उनका भी एक सुंदर सा मंदिर इस गांव में है। ऐसा माना जाता है कि वो सब पंछियों से, सांपों से, शेर से, सिंह से, सब जो भी प्राणी हैं उनसे बातें किया करते थे, उनकी लैंग्वेज उनको समझ में आती थी। श्री शिव स्वरूप नारायण देव बाबा लीला अमृत का नाम का एक ग्रंथ भी उनका है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो। बाय बाय।